उज्जैन में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर शशांक मिश्र ने जनसुनवाई की, जहां डाइट कॉलेज में हो रही अनियमितताएं की शिकायत लेकर छात्र छात्राएं पहुंचे। तो वहीं विनोद मिल मजदूर संघ भी अपने बकाया रुपयों की मांग को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे। आमजन की समस्या के निराकरण के लिए शुरू की गई जनसुनवाई में आज कलेक्टर शशांक मिश्र ने आम जनता की सुनवाई की। इस दौरान डाइट कॉलेज के छात्र छात्रा कलेक्टर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। वो बेसिकली विनोद मिल जो हमारे यहाँ एक केस है उसके संबंधित था। विनोद मिल बहुत पहले वाइंड अप हो चुकी है और उसकी ज़मीन शासकीय ज़मीन है, तो अभी हाल फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग राजस्व विभाग जमीन का पोजेशन प्राप्त किया है उनसे वहाँ के आदेश के बाद, और उनके कुछ लंबित ड्यूज़ हैं जिसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उनको उपलब्ध कराना है, उनके ड्यूज़ पेमेंट करना है। तो वो टाइम फ्रेम अभी हमारे पास उसमें समय सीमा उपलब्ध है जो कि 2 साल का समय निर्धारित किया गया है। हमारी समस्या यही है कि जैसे हमारी जो रसीद थी वो रसीद थी उसमें हमसे ज़्यादा फीस ली जाती है, और उसके मुताबिक रसीद में जितनी भी जो एक्टिविटी रहती है वो अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद हमारी फ़ीस इस बार पहले 10,000 ली जाती थी लेकिन अब वो 9,000 कर दिए, तो हमारे 1,000 रुपये वो लौटा नहीं रहे। उसके बाद हमारा जो शैक्षणिक भ्रमण है वो हमको मतलब हम जब फर्स्ट ईयर से थे तब से बोला जा रहा था लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारा शैक्षणिक भ्रमण अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारी रसीद में था पहले प्रयोगशाला का, लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में प्रयोगशाला का था ही नहीं लेकिन उसकी भी हमसे फीस ली।